Now children, let's move on to 47th chapter, and this is engines. Here we will learn about different engines. Engines are machines that use different forms of energy. Engine क्या है, एक तरीके के machines हैं जो अलग अलग तरीके के energy को use करते हैं to generate movements. Movements को generate करने के लिए. In the present world of high technology, many different kinds of engines are used. आज के इस वर्ल्ड में हाई टेक्नोलॉजी के बहुत सारे इंजन्स यूज़ किए जाते हैं, एंड आई यूज़ टू गिव द वर्ल्ड मोर स्पीड, जिसकी वजह से हमारा जो ये वर्ल्ड है उसे ज़्यादा स्पीड मिलती है. मान लो कि जो फ़ैन है वो ना होता, हाथ वाले फ़ैन आज भी चल रहे होते, तो हम शायद फ़ैन खर करके थक जाते और हमें गर्मी लगती रहती. लेकिन ये जब से ये फैंस डेवलप हुए हैं, इसमें ये इंजन्स लगे हैं जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो हमारा काम कम हो गया है, हमारा काम और भी ज़्यादा स्पीड में होता है और हमें गर्मी से बचाता है. सो सिमिलरली देर आर मैनी इंजन्स. कैन यू आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ इंजन इज बींग टॉक्ड अबाउट इन ईच हिंट? क्या आप बता सकते हो हर एक हिंट में किस तरीके के इंजन की बात हो रही है? टेक हेल्प फ्रॉम द नीड हेल्प बॉक्स दैट इज गिवन. नाउ यूजुअली यूज्ड इन कोस्टल रीजन, ये जो है ये ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स में यूज़ किया जाता है. दे प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स बाय द स्ट्रेंथ ऑफ विंड ऑन देयर सेल्स. ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स को क्रिएट करता है विंड का, एंड दिस इज विंड मिल. इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट मेथड दैट यूजेस पावरफुल मैग्नेटिज्म. ये एक ट्रांसपोर्ट मेथड है जो पावरफुल मैग्नेटिज्म को यूज़ करता है टू लिफ्ट अ ट्रेन फ्रॉम द ट्रैक. जो क्या करता है, ट्रेन को ट्रैक से उठाता है एंड प्रोपेल्स इट फॉरवर्ड, और उसे आगे बढ़ाता है. ये है मैग्लेव. नेक्स्ट, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ इंजन एंड अ पावर्ड एंड इज पावर्ड बाय लिक्विड और सॉलिड फ्यूल. ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन है और इसे जो है सॉलिड या फिर लिक्विड फ्यूल पावर देती है. इसका नाम है टर्बोजेट. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. इट इज़ एन इंजन दैट यूजेस स्टीम टू जनरेट पावर. ये एक ऐसा इंजन है जो स्टीम को यूज़ करता है पावर को जनरेट करने के लिए. इसका नाम है स्टीम इंजन. पहले ये काफ़ी ज़्यादा चलते थे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन. In this engine, hot gases produced from fossil fuel and air mixture push the piston. इस engine में क्या होता है, जो hot gases जो produce होता है fossil fuel से या air के जो mixture है उससे क्या होता है, जो piston है वो work करता है, वो आगे की तरफ ढकेलता है vehicle को और जिससे vehicle चलने लगती है. इसका नाम है internal combustion engine. Sixth, it is an engine that uses the force of water to propel the turbine to generate in electricity. ये एक इंजन है जो यूज़ करता है वाटर फोर्स को टर्बाइन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, जिससे जनरेट हो सके. उसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइन्स, मीन्स ये वाटर को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ एन इंजन दैट ड्रॉज इन एयर, कंप्रेसेस इट, हीट्स इट एंड थ्रोज इट. ये एक इंजन है, ये क्या करती है, एयर को लेता है, उसे कंप्रेस करता है, उसे गर्म करता है, उसे वापस बाहर निकाल देता है आउट एट अ हाई स्पीड, एक हाई स्पीड पे, प्रोड्यूसिंग अ थ्रस्ट टू मूव द व्हीकल फॉरवर्ड, जिससे जो है व्हीकल जो है आगे की तरफ जाता है, एंड इसका नाम है रॉकेट. नेक्स्ट चिल्ड्रेन, डू यू नो दैट द वर्किंग ऑफ अ ब्लैक होल इज सिमिलर टू एन इंटरनल कंबशन इंजन? आपको क्या पता है कि जो ब्लैक होल का जो वर्किंग है वो इंटरनल कंबशन इंजन्स के जैसा है. इट कंज्यूम्स फ्यूल एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी. ये फ्यूल को कंज्यूम करता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है वाइल रिमेनिंग इंटैक्ट, अनलाइक से एन एक्सप्लोजन, जिसमें ये इंटैक्ट रहता है और एक्सप्लोजन पैदा करता है. द ब्लैक होल एक्सट्रीम ग्रेविटी क्रिएट्स द परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर जनरेटिंग एनर्जी. ये जो ब्लैक होल ग्रेविटी है ये क्या करता है, एक परफेक्ट एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. जैसे कि हमारा जो हराइजन है उसके बाउंड्री पे होता है. सो दिस वॉज योर अमेजिंग फैक्ट. सो आई होप चिल्ड्रेन दिस इज क्लियर टू यू.